नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी नगर में अवैध गुमटियों का मकरजाल, पिछले दिनों निगम ने की थी बड़ी कार्रवाई, बावजूद इसके एमपी नगर में लगी अवैध गुमटियां। महापौर ने कहा सभी अवैध गुमटियां हटा दी गयी। दतिया में पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण, जिला अस्पताल के बाहर से किया था अतिक्रमण, हाथ ठेला व फुटपाथ पर जमा रखा था डेरा। बैतूल के बरटपुर स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, रेलवे ट्रैक धसा, युद्ध स्तर से कार्य शुरू। 10 साल पहले यहां ट्रैक के नीचे की पूरी मिट्टी बह गई थी, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। रायसेन में सेवानिवृत्ति अधिकारी सेठ साइबर ठगी, 9,83,000 रुपए की ट्रांसफर, ठग के पास थी पर्सनल जानकारी, पुलिस ने खाते कराए होल्ड। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। पहली खबर आ रही है भोपाल से, दूसरी खबर दतिया से, तीसरी खबर आ रही है बैतूल से, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है रायसेन से। वहीं हम रुक करें पहली खबर की ओर, पहली खबर भोपाल से। आपको बता दें कि एमपी नगर में अवैध गुमटियों का मकरजाल है, वहीं पिछले दिनों निगम ने बड़ी कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि बावजूद इसके एमपी नगर में अवैध गुमटियां लगी थी, वहीं महापौर ने कहा है कि सभी अवैध गुमटियां हटा दी गई। दूसरी खबर दतिया से है, जहां पर दतिया में पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिला अस्पताल के बाहर अतिक्रमण किया गया था, हाथ ठेला व फुटपाथ पर जाम रखा था। तीसरी खबर आ रही है बैतूल से, जहां पर बैतूल के बरटपुर स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, रेलवे ट्रैक धसा, युद्ध स्तर से कार्य शुरू किया गया है। 10 साल पहले यहां ट्रैक के नीचे की पूरी मिट्टी बह गई थी, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। वहीं चौथी और आखिरी खबर रायसेन से, जहां पर रायसेन में सेवानिवृत्ति अधिकारी के साथ साइबर ठगी हुई है, 9,83,000 रुपए ट्रांसफर किए, वहीं ठग के पास थी पर्सनल जानकारी। आपको बता दें कि पुलिस ने खाते होल्ड कराए हैं। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, आपको बता दें कि भोपाल का व्यापारिक हब कहलाने वाला एमपी नगर को गुमटियों से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए नगर निगम की पिछले दिनों की गई बड़ी कार्रवाई का असर अब खत्म हो गया है। गुमटियां हटाने और इससे जुड़े राजनीतिक व प्रशासनिक तमाम विवादों के बाद निगम प्रशासन का अतिक्रमण अमला इन गुमटियों को पूरी तरह से एमपी नगर से बाहर नहीं कर पाया। इंदौर सीट कवर के सामने की लाइन से लेकर मल्टी लेवल पार्किंग और बैंक स्ट्रीट से लेकर ज्योति टॉकीज और रेलवे स्टेशन की लाइन तक मकरजाल की तरह अवैध गुमटियां रखी मिल जाएगी। गौरतलब है कि निगम कई बार अतिक्रमण और अवैध तौर पर रखी गई इन गुमटियों के खिलाफ लगातार और बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इनके बचाव में उतर पड़े, जिस वजह से निगम की ये कार्यवाही शांत हो गई। इधर महापौर मालती राय से जब पूछा गया तो वो देश में आ गई, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से आबिद मुमताज जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आबिद, एमपी नगर में जो है अवैध गुमटियां देखी जा रही है, वहीं पिछले दिनों निगम ने बड़ी कार्रवाई की थी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास ताजा? बिल्कुल रितिका, देखिए नगर निगम जो है लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई तो करता आ रहा है, लेकिन व्यापारिक हब हम जिसको बोलते हैं एमपी नगर, वहाँ अवैध रूप से जो है अभी भी गुमटियों का संचालन यहाँ पर हो रहा है। इसकी साफ वजह राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही जो बड़े नेता हैं उनके संरक्षण में ये अवैध कारोबार जो है धरने से यहाँ पर चल रहा है। हालांकि नगर निगम जब जब कार्रवाई यहाँ पर करता है तो कई गुमटियों को उठाकर ले जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो मकर जाल जैसा बन जाता है। इसके पीछे का रीजन ये बताया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इन गुमटियों को फिर से वहीं स्थापित कर दिया जाता है जहाँ से इनको उठाया गया था। तो निश्चित रूप से जिस तरह से अवैध गुमटियां रखी हैं तो उसके आवागमन के अंदर काफी प्रभाव यहां पर पड़ रहा है, ट्रैफिक जाम की स्थिति यहां पर बन जाती है। वही नगर निगम जो है कार्रवाई तो करता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो फिर से शांत हो जाता है और कार्रवाई को यहां पर रोक देता है। रितिका जी, अब इन सब से निपटने के लिए नगर निगम अब क्या कुछ कदम उठाएगा आबिद? देखिए निपटने के लिए तो शायद नगर निगम कोई कदम उठाने वाला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि इनसे निपटने के लिए कोई कदम उठाए, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नगर निगम भी कहीं ना कहीं दबाव में यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी परिषद की परिषद है और वहीं से कई ऐसे नेता हैं जो पार्षद हैं,
जिनके संरक्षण में ये अवैध कारोबार गुमटी रखवाने का यहाँ पर चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि एक एक गुमटी के 3-3 हजार रुपए महीना यहाँ के जो दमन लोग हैं वो यहाँ पर लेते हैं और अवैध गुमटियां यहाँ पर रखवाने का काम करते हैं। हालांकि कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की गई, महापौर हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, कमिश्नर को भी लिखित शिकायत की गई, तो मात्र नाम के लिए कार्रवाई तो यहाँ पर होती है, लेकिन वो मात्र नाम की कार्रवाई यहाँ पर कहलाती है, उसके बाद फिर जो है अवैध गुमटियों का कारोबार धड़ल्ले से यहाँ पर चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप और नगर निगम की जो कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति जो होना चाहिए वो दृढ़ इच्छा शक्ति नगर निगम में शायद नहीं, और यही वजह है कि ऐसे अवैध गुमटियां जो है लगातार यहाँ पर मकर जाल जैसी यहाँ पर रखी जा रही है। चाहे एमपी नगर की रेलवे लाइन की हम बात करें, चाहे ज्योति टॉकीज के पास की बात करें, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें, या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अवैध जो है पार्किंग का संचालन तो हो ही रहा है, साथ ही अवैध गुमटियां भी वहां रखी जा रही हैं। देर रात तक अवैध गुमटियां खुलती हैं, असामाजिक तत्वों का डेरा वहां लगे रहता है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है उसको करने के लिए नगर निगम को पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति यहाँ पर दिखाना पड़ेगी और राजनीतिक दबाव में ना आकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है। प्रतिदिन जी अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि महापौर मालती राय ने क्या कुछ कहा है इस अवैध गुमटियों को लेकर। देखिए, जब महापौर मालती राय से हम लोगों ने अवैध गुमटियों के बारे में सवाल जब किया तो वो तेज में आ गई, यानी एक तरफ जहां देखा जाए तो वो भड़क उठी और उनका ये कहना था कि अवैध गुमटियों को हटा लिया गया है। जी जी। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर हकीकत जानने की कोशिश की तो कई जगह ऐसी अवैध गुमटियां रखी हुई हैं अभी भी, जिनको हटाया नहीं गया है। लेकिन महापौर का ये तेज बताता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण वो इसको दबाना चाहती है, इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां जहां अवैध गुमटियां होंगी उनको हटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मौके पर उन्होंने अतिक्रमण अधिकारी को भी बुलाया, तमाम जो अलग अलग विभाग के अधिकारी थे उनको भी बुलाकर हिदायत यहाँ पर दी है। जी, वही अभी तो जैसा कि आपने कहा कि जो राजनेता की इसमें हस्तक्षेप माना जा रहा है, तो किस तरह से अपना हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि विपक्ष के द्वारा क्या कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि वापस से जो है गुमटियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जी सत्ता पक्ष की तरफ से यदि हम बात करेंगे तो कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जी जो अपने संरक्षण में अवैध गुमटियों का अवैध कारोबार यहाँ पर चला रहा है। विपक्ष की बात करें यदि तो विपक्ष में भी ऐसे कद्दावर नेता हैं जो अवैध रूप से ये पूरे अवैध संचालन यहाँ पर कर रहे हैं और गुमटियां लगवाने का काम करते हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि पूरा के पूरा खेल जो है साठ गांठ से चल रहा है, यानी मिलजुल कर पूरा खेल यहाँ पर किया जा रहा है कि तुम मेरे काम में हस्तक्षेप ना करो, हम तुम्हारे काम में हस्तक्षेप ना करो और अवैध जो कारोबार है उसको धड़ल्ले से चलने दो। ये एक नीति और रीति जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों ने यहाँ पर बना रखी है। चूंकि हम MIC मेंबर की यदि बात करते हैं, पार्षदों की बात करते हैं या विधायकों की बात करते हैं, पूर्व विधायक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिलता है। रितिका जी, अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक कितनी बार इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है जिस पर गुमटियों को हटाया गया है। देखिए, पिछले 3 महीने पहले एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नगर निगम ने करी थी जिसमें तकरीबन 400 से ज्यादा गुमटियों को यहाँ से हटाने का काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन 3 महीने के बाद स्थिति ज्यों के त्यों यहाँ पर बनी हुई है, अभी भी वही हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो 3 महीने पहले दिखाई देता था। रितिका जी, तो अभी तक नगर निगम को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए इस पर कार्रवाई करने के लिए। रितिका, जैसे मैंने आपको बताया कि नगर निगम को दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, सबसे पहली बात तो जी यह है, और दूसरा राजनीतिक दबाव में ना आए नगर निगम, और यदि सुदूर आवागमन चाहिए जी जी, पार्किंग की व्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, जो जाम की स्थिति बनती है वो जाम की स्थिति खत्म हो जाए, तो इसके लिए नगर निगम को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम के पास बहुत पावर होता है, वो पुलिस का इस्तेमाल करके इन अवैध गुमटीधारियों को यहाँ से हटाने का काम यहाँ पर कर सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। अब इसके लिए तो नगर निगम को खुद जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी ये अवैध कारोबार यहाँ से खत्म हो सकता है। रितिका,
तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी भोपाल से आ रही थी, जहां पर भोपाल का व्यापारिक हब कहलाने वाला एमपी नगर को गुमटियों से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए नगर निगम की पिछले दिनों की गई बड़ी कार्रवाई का असर अब खत्म हो गया है। गुमटे हटाने और इससे जुड़े राजनीतिक व प्रशासनिक तमाम विवादों के बाद निगम प्रशासन का अतिक्रमण अमला इन गुमटियों को पूरी तरह से एमपी नगर से बाहर नहीं कर पाया है। इंदौर सीट कवर के सामने की लाइन से लेकर मल्टी लेवल पार्किंग और बैंक स्ट्रीट से लेकर ज्योति टॉकीज और रेलवे स्टेशन की लाइन तक मकर जाल की तरह अवैध गुमटियां रखी मिल जाएंगी। गौरतलब है कि निगम कई बार अतिक्रमण और अवैध तौर पर रखी गई इन गुमटियों के खिलाफ लगातार और बड़ी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इनके बचाव में उतर पड़े, जिस वजह से निगम की ये कार्रवाई शांत हो गई। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें, दतिया से आ रही है, जहां पर दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर खड़े होकर डेरा जमा रहे अतिक्रमणकारियों को ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश देकर हटाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज के डीन ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया था, जिससे मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर अतिक्रमणकारियों ने अपना डेरा जमा लिया, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दतिया से, विजय गोस्वामी। विजय, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन द्वारा ये पूरा अतिक्रमण हटाया गया है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। यह मामला दतिया मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ कुछ दिन पूर्व दतिया मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज का द्वार है उस पर ताला लगवा दिया था, तो वहाँ जो मौजूदा वहाँ के लोग है उन्होंने धीरे धीरे हाथ ठेले लगाकर धीरे धीरे गुमटियां रखकर वहाँ अतिक्रमण चालू कर दिया और दुकानें खोलकर रोड पर जमाना शुरू कर दिया। इस कारण वहां से निकलने वाली एम्बुलेंस है और अन्य वाहन है वहाँ जाम लगना शुरू हो गया और लोगों मरीज को निकलने में परेशानी होने लगी थी। जी, इस दौरान क्या कोई विवाद की स्थिति देखने को मिली विजय? इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। मुख्य द्वार पर जो है जो बाइक वगैरह आती थी, मोटरसाइकिल आती थी, द्वार पे ही खड़े कर देते थे और रोड पे भी खड़ी कर देते हैं। जो है वहाँ जो साइकिल स्टैंड है उसकी भी सुविधा नहीं है, इस कारण लोग रोड पे ही वाहन अपने खड़े करके चले जाते। जो वहां से निकलने वाली एम्बुलेंस है उनको निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जो वहां के ऑटो चालक भी है वो बीच रोड पर लगाकर सवारियों को बैठाते हैं, इस कारण भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब पुलिस अधीक्षक शिविर मिश्रा को जानकारी पता पड़ी तो उन्होंने तत्काल जो जो ट्रैफिक TI है यादव जी उनको पहुंचाया, सुविधा है खान साहब उनको पहुंचाया, फिर उसका उन्होंने जाकर मौके पे जाकर वहां से अतिक्रमण हटवाया और लोगों को समझाइश दी कि यहाँ से अतिक्रमण जल्दी जल्दी हटा लो नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जी, वही विजय, मेडिकल कॉलेज के जो है मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया गया था, तो क्या कुछ कारण था कि ताला लगाना पड़ा? कारण इसे स्पष्ट नहीं हो पाया किस कारण ताला लगवाया है। मेडिकल कॉलेज और जो जिला चिकित्सालय है इन दोनों में आपस में ठनी हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो साइकिल स्टैंड का ठेका था वो रद्द हो गया था, इस कारण वहाँ जो मेडिकल कॉलेज के द्वार पर वाहन लोग कहीं भी खड़े कर देते थे मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन जब डीन को डीन ने मेडिकल कॉलेज को जानकारी प्राप्त की यहाँ असुविधा होने लगी है तो उन्होंने तत्काल वो उस गेट पे ताला लगवाया और जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो जिला अस्पताल का जो गेट है वहाँ से आवक जावक शुरू करवा दी। जी, क्या विजय जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है क्या उससे पहले है उनको नोटिस दिया गया था इस कार्रवाई से पहले? नहीं, पहले कईयों बार जो वहाँ अतिक्रमणकारी हैं जो नगर पालिका द्वारा वहाँ से अतिक्रमण हटवाया गया, लेकिन लोग लगातार मान नहीं रहे हैं और समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन बाद में जब पुलिस जाती है तो हटा लेते हैं, पुलिस वापस आ जाती है तो फिर जमा लेते हैं। वहीं इस कार्रवाई से जो आम जन को जो परेशानी हो रही थी तो इस कार्रवाई के बाद उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस प्रकार की अगर आगे आप लोगों ने अतिक्रमण किया है तो अब आपको क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके जो हाथ ठेले हैं सामान है सभी को जब्त किया जाएगा और आपको क्या FIR दर्ज की जाएगी। जी विजय, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दतिया से आ रही थी, जहां पर दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर खड़े होकर डेरा जमा रहे अतिक्रमणकारियों को ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश देकर हटाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज के डीन ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया था, जिससे मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर अतिक्रमणकारियों ने अपना डेरा जमा लिया। इसके बाद यहां से निकलने वाले एम्बुलेंस व अन्य वाहनों को निकलने में दिक्कत होने लगी और जाम लगने लगा। इसकी सूचना दतिया पुलिस
अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा को मिली तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस प्रभारी रणवीर यादव, सूबेदार नईम खान को तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने को कहा, जिससे मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया गया। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें कि बैतूल से आ रही है, जहां पर नई दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग पर बैतूल के बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंसने की बड़ी घटना हुई है, जिसके चलते कई रेलगाड़ियों को रोक करके ट्रैक पर सुधार कार्य करना पड़ा। यह वही स्थान है जहां साल 2013 में पूरा रेलवे ट्रैक ही माचना नदी में बह गया था। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। नागपुर से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियर्स ने मौका मुआयना किया है। रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैतूल से इटारसी की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के धंसने की घटना हुई है। इसका पता तब चला जब हिमसागर एक्सप्रेस के गुजरते हुए लोको पायलट ने यहां झटके महसूस किए। वही पायलट ने इसकी जानकारी रेल प्रबंधन को दी। मौके पर मुआयना करने पर पता चला कि 2013 में यहां हुए हादसे के बाद बनाई गई नालियों का पानी ट्रैक के बीच से होकर गुजर रहा था। यह पानी ट्रैक के अंदर कहां जा रहा था। रात में हुई तेज बारिश के चलते भारी तादाद में यह पानी ट्रैक अप और डाउन ट्रैक के बीच से ही बहा, जिसके कारण ट्रैक के पास की गिट्टी पत्थर बह गए। यह पता चलते ही रेलवे के DENADEN ने मौके का मुआयना किया। आपको बता दें कि बैतूल से जहां पर आपको बता दें कि बैतूल में 10 साल पहले वहां ट्रैक जो है पूरी मिट्टी बह गई। वहीं आपको बता दें कि रात में तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते भारी तादाद में पानी ट्रैक अप और डाउन ट्रैक के बीच से ही बहा, जिसके कारण जो है ट्रैक के पास की गिट्टी पत्थर बह गई। आपको बता दें कि यह पता चलते ही रेलवे के DENADEN ने मौके का मुआयना किया। आपको बता दें कि बैतूल में नई दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग पर बैतूल के बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंसने की बड़ी घटना हुई है, जिसके चलते कई रेल गाड़ियों को रोककर ट्रैक पर सुधार कार्य करना पड़ा है। यह वही स्थान है जहां साल 2013 में पूरा रेलवे ट्रैक ही माचना नदी में बह गया था। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। नागपुर से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियर से मौका मुआयना किया था। रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैतूल से इटारसी की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के धंसने की घटना हुई थी। हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी बैतूल से आ रही थी, जहां पर बैतूल के बरटपुर स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक धंसा है। अब जो है युद्ध स्तर से कार्य शुरू किया गया। 10 साल पहले यहां ट्रैक के नीचे की पूरी मिट्टी बह गई थी। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। वहीं चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें कि रायसेन से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बार फिर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठग ने विदिशा से जिला शहरी विकास अधिकरण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति पीके चावला को अपने जाल में फंसाकर उनकी पत्नी को नॉमिनी बनाने के नाम पर आधार का OTP लेकर उनके खाते के करीब 10 लाख रुपए गायब कर दिए, जिसकी शिकायत सूचना थाने कोतवाली रायसेन और SP ऑफिस साइबर सेल से की गई है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं रायसेन से। राशिद, सेवानिवृत्ति अधिकारी से साइबर ठगी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप हालांकि बहुत ही कुछ आप हमारे दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन जो कि रीतिका आए दिन इस तरीके के जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि साइबर जो अपराध है उनमें जरूर लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जैसे कि रायसेन जिले का भी एक काफी गंभीर मामला है, मैं आपको जिक्र कर दूं कि रितिका जी 20 जुलाई शनिवार का जो पूरा मामला है, ताकि एक मैं कह सकता हूं कि काफी दिलचस्प बात मैं क्यों कह रहा हूं रितिका, क्योंकि साइबर अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी को एक अपने उसमें जाल में फंसा कर उसको करीब 10 लाख रुपए की राशि ठग लेता, कितना अजीब और गरीब मामला सुनने को आ रहा है कि एक पेंशनर अधिकारी बनकर फर्जी और एक शहरी विकास अधिकारी को रिटायर्ड अधिकारी है उनको ठग लेता है, जो कि काफी बड़ी रकम मानी जा सकती है। इसी का मैं जिक्र कर दूं, इस चीज की सारी जैसे कि आप जिक्र भी कर चुकी हैं कि SP ऑफिस साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है और लगातार
जांच भी इसकी हो रही है, और ऐसा कि एसडीओपी ने मीडिया को बताया है कि जांच हो रही है। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि इसमें 4,91,967 रुपए पहली किस्त में 4 बजे निकाले गए थे, और दूसरी किस्त जो थी 4,91,962 रुपए। कुल मिलाकर पूरी रकम की अगर बात की जा रही थी का तो 9,83,000 रुपए की ठगी हुई है। लेकिन ऐसे में लगातार कभी बैंक अधिकारी बन गए किसी के साथ, किसी का एटीएम बंद हो गया उसके नाम ठगी की जा रही है, किसी का खाता खुलवाना है उसके नाम ठगी की जा रही है। अब हद तो जब हो गई है कि नॉमिनेशन के नाम पर एक अधिकारी से ठगी कर ली गई, जैसे कि मेरी मीडिया की जैसा कि बात हो रही है, प्रहलाद चावला जो कि फरियादी है और उनने जैसा कि मीडिया को बताया है कि कोई बी के जो मैं कह सकता हूँ साधवा ठग उसको आरोपी कहा जा सकता है, और कहा भी क्यों न जाए बी के त्रिपाठी नाम से फोन आता है रायसेन के प्रहलाद चावला, और जैसे कि वो उनसे फोन तो कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो पैसा आपको मिला है उसका नॉमिनेशन होना है, क्या आपको पेंशन मिल रही है। और उसमें रितिका सबसे दिलचस्प बात उसमें एक और निकल कर सामने आ रही है कि रायसेन को ट्रेजरी अधिकारी है गुप्ता जी, उनका भी नाम साधवा ठग ने लिया, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए थे, उसको लेकर उन्होंने अपनी हालांकि अधिकारी हैं ऐसे बड़ा किसी शरीर का अधिकारी रहे हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं वो इतना कम से कम कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इतने जल्दी वो अपने झांसे में आ गए, बातों में आ गए। मैं उन्होंने जो है जैसा कि बताया जा रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिए नॉमिनेशन के नाम पर, तो उन्होंने पूछा कि कौन के नाम करना है, तो मुझे बता दिया पत्नी और पोते के नाम करना है, तो उन्होंने आधार कार्ड की फोटो कापी उनको सेंड कर दी, और उसके बाद लगातार बातचीत जारी रही। कुछ थोड़ी देर के बाद ओटीपी आती है, और ओटीपी में बताया जाता है कि ओटीपी बता दीजिए, उन्होंने तो बहुत जल्दीबाजी करते हुए उन्होंने ओटीपी बता दी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जैसा कि उनके खाते से 4,91,000 पहली जो किस्त 4 बजे निकली थी रीति का 4,91,967 रुपए काटी गई, उसके बाद दूसरी बार जो उनके खाते से पैसे निकाले गए तो 3 घंटे बाद 4,99,962 रुपए फिर निकाल लिए गए। ऐसे ही उन्होंने अपने जो उनके बेटे हैं क्योंकि पार्षद भी हैं रायसेन से प्रभात चावला और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको अपने बेटे को जानकारी प्रहलाद चावला द्वारा दी गई, उन्होंने पहुंचकर हालांकि पूरे होल्ड पर लगवा दिया खाता, लेकिन जब तक 10 लाख रुपए की लूट हो चुकी थी। लेकिन रीतिका आए दिन लगातार ऐसे इस तरीके के ठग जो है साइबर ठग लगातार लोगों को ठगी कर रहे हैं। और रीतिका और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बैंक में जाके अगर हम और आप कहीं पैसे जमा करने पहुंचेंगे तो कई घंटों का सामना करना पड़ता है, कहीं सर्वर नहीं है, कभी अधिकारी नहीं है, कभी लंच का टाइम हो गया। लेकिन एक बड़े अधिकारी से साइबर मतलब मैं कह सकता हूँ पेंशन अधिकारी नकली पेंशन अधिकारी बनकर 10 लाख रुपए की 2 से 3 घंटे के अंदर ठगी हो जाना कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये देश में इस तरह की घटना है जो झकझोर कर रख रही है। जैसा कि मीडिया को बताया है नेता प्रतिपक्ष जो है उनके बेटे पार्षद प्रभात चावला उन्होंने सीधा गंभीर आरोप लगाए हैं, उनने ये बात सही भी कही है रीतिका, क्योंकि उनका यही कहना है कि इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे साइबर ठग के पास कैसे पहुंच गए और उनके पास जानकारी ये कैसे पहुंच गई। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे कोई भी इनके विभाग का अधिकारी जरूर उनके इसमें शामिल होगा और जिसने जो ठगी का इस बड़ी घटना को अंजाम दिलाया। हालांकि उन्होंने सारा मामला एसडीओपी रायसेन को बता दिया है, पूरी मामले की जांच कर रही, क्योंकि एसपी साइबर सेल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन रीतिका अगर इस तरीके की बड़ी घटनाएं होती हैं तो देश में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि पुलिस की अगर बात की जाए, साइबर सेल की अगर बात की जाए, कितने महत्वपूर्ण विभाग हमारे देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके की ऑनलाइन जो है साइबर जो ठगी के जो हादसे सामने आ रहे हैं, जो लोगों को झकझोर रहे हैं, आए दिन कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कोई मतलब मैं कह सकता हूं कि आए दिन कोई ना कोई साइबर सेल के ठगी का शिकार हो रहा है। लेकिन इतना बड़ा ग्रुप काम कर रहा है बड़े पैमाने पे, लेकिन अभी तक कोई किसी का पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे ये भी क्लियर हो रहा है कि अपराध जो है देश में पनप रहे हैं, और ऐसे में साइबर ठगों की अगर बात की जाए तो लगातार इनके साइबर ठगों में इजाफा हो रहा है, और इजाफे की अगर बात की जाए तो लगातार अपराध और लोग ठगे जा रहे हैं, और आए दिन इस तरीके के लोग ठगे जा रहे हैं जिसका कोई भी अता पता नहीं चल पाता है, कौन ठग है, इसके पीछे कौन का हाथ है, कहाँ से ये काम कर रहा है। जैसे कि बताया ये भी जा रहा है कि पहली उनसे नागपुर की एक बैंक से जैसा भी जानकारी मिल रही है, डॉक्यूमेंट से जो कि उनने स्टेटमेंट निकलवाए हैं, नागपुर की एक बैंक से भी एक किस्त निकली है,
और दूसरी जो किस्त निकली है वो मुंबई से भी ट्रांसफर की गई है। जब इतना पता चल पा रहा है रितिका, तो फिर इसका ये पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि ये साई वठाक आखिर कौन है, कहाँ से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हद हो गई, पहले आपने रितिका देखा होगा, हमने और आपने भी देखा है, किताबों में भी पढ़ा है और सुना भी है और बुजुर्गों से भी सुना है कि कभी पहले कभी चोर उचक से हुआ करते थे और जो लोगों को बंदूक की नोक पर या किसी हथियार की नोक पर लूटा करते थे, लेकिन अब तो मतलब कलम की नोक पर ऑनलाइन ठगा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार को इसमें आगे आना होगा और मुझे मैं इसमें कह सकता हूं कि इसमें आगे आने की जरूरत है और बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें चूंकि साइबर क्राइम इस तरीके से हो रहे हैं, आजकल रितिका आम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, साथ ही सभी लोगों के चूंकि खाते बैंक में है और ऐसे में आए दिन लोग अगर ठगी का शिकार होंगे तो अपराधों में जरूर इजाफा होगा रितिका। बिल्कुल जी राशिद, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, कब तक जो है पुलिस प्रशासन जांच की बात कर रही है? जी जैसा कि पुलिस मैं कह सकता हूँ एसडीओपी रायसेन से मीडिया की बात हुई, उनका यही कहना है कि एक साइबर ठग का काफी बड़ा मामला सामने आया, चूंकि बहुत बड़ी रकम होती है रितिका 10 लाख रुपए, उनका यही कहना है कि जांच की जा रही है और साइबर सेल में भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और ऐसे में शिकायत के बावजूद भी होल्ड पर जरूर खाता उनका लगवा दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की यही बात, इसी के कहने से मामला हल नहीं हो जाएगा, आपको अपराधियों तक जाना होगा, अपराधियों को पकड़ना होगा और उनको सलाखों के पीछे भेजना होगा। जब कहीं लोगों की मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भरोसा आमजन के लोगों में जागेगा इस तरीके से, जो जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसमें जो इजाफा हो रहा है, सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर भी जरूर इसमें सवाई निशान जरूर लग रहा है रितिका जी। वही राशिद आपसे पूछना चाहूंगी कि रायसेन में ऐसे और कितने साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं अभी तक? जी मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले की अगर बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ सैकड़ों की तादाद में इस तरीके के लोग ठगे जा चुके हैं। ठीक है, चूंकि जो है बहुत बड़ा मामला है, 10 लाख रुपए, करीब 10 लाख रुपए की राशि की ठगी हुई है, वो भी रिटायर्ड अधिकारी मतलब अधिकारी के साथ ठगी हुई है। ऐसे में छोटे मोटे अपराध तो डेली सामने आ रहे हैं, साइबर सेल 2000, 5000, 10000, 20000, बस मैं कह सकता हूँ कि छोटे जो खातेधारी होते हैं उनके नाम से 10-20 हजार रुपए की तो आए दिन ठगी सुनने को मिल रही है, क्योंकि तुम आपका कहा जाता है, फोन आता है कि आपका खाता बंद कर दिया गया है, मैं अभी फलाना अभी बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, अगर आपको खाता चालू रखना है तो आपको आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा, ओटीपी बताना होगी, और लोग उनके झांसे में आकर ओटीपी बता देते हैं। ऐसे में ओटीपी का मतलब मैं कह सकता हूँ, ओटीपी माने आपने तस्दीक कर दी, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप मुझे ठग लीजिए, ओटीपी का सीधा मैं ये भी कह सकता हूँ। लेकिन इस तरीके के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आपने जैसा कि कहा कि रायसेन जिले में जो घटना है लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मुख्यालय पर जरूर अगर बात की जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा तो ये मामला हो सकता है, क्योंकि रिटायर्ड पेंशनर अधिकारी, एक रिटायर्ड शहरी विकास अधिकारी को करीब 10 लाख रुपए का चूना लगा देता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े गंभीर अपराध इसको माना जा सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि रायसेन जिले की सबसे बड़ा अभी तक ये साइबर घटना हो सकती है। जी रितिका जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा साइबर ठगी से रिलेटेड जो है लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाता है, क्या कोई अभियान चलाया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा की रितिका आपने बहुत ही मैं कह सकता हूँ की आमजन को आपने जो कहा है आमजन को समझ में आए किस तरीके से अगर आपको बचना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रशासन की और अधिकारी की, जब बात कही जाए इस तरीके से कोई भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम में, कई प्लेटफॉर्म क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, ऐसे में कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जिससे शासन प्रशासन या पुलिस की अगर बात की जाए, साइबर सेल की अगर बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक किया जाता हो। लेकिन अगर मैं कह सकता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मीडिया जरूर जागरूक करती है लोगों को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो लोगों को पता चलता है रितिका कि कहाँ पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। जैसे कि आज हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे कि रायसेन जिले का सबसे बड़ी घटना ये मानी जा सकती है कि साइबर ठग ने एक 10 लाख रुपए की घटना को अंजाम दे दिया, वो भी कुछ ही घंटों में। लेकिन मैं रितिका जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आमतौर पर अगर आप पैसा जमा करने जाएंगे बैंक में या निकालने जाएंगे या कोई भी लोन वगैरह के लिए जाएंगे तो काफी महीने लग जाते हैं आदमी का अपने बैंक के काम निपटाने के लिए। लेकिन ऐसे में साइबर ठग मिनटों में
मैं कह सकता हूँ कि लाखों रुपए चट कर जाते हैं, खाते से पूरे खाते ही खाली कर देते हैं, और से मैं कह सकता हूँ उनके गिरेबान तक कोई पहुंच नहीं पाता और कोई उनको पकड़ नहीं पाता। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार पे कहीं ना कहीं ये हवाई निशान जरूर लग रहा है, और पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए मैं कह सकता हूँ कि साइबर सेल पे भी जरूर लोग कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना पर इजाफा हो रहा है, लेकिन ऐसे घटनाओं को रोकना होगा और अपना जो तंत्र है सरकार के और पुलिस के उनको जरूर मजबूत करना होगा। जी रितिका जी राशिद, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बार फिर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठग ने विदिशा से जिला शहरी विकास अधिकरण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति पीके चावला को अपने जाल में फंसाकर उनकी पत्नी को नॉमिनी बनाने के नाम पर आधार का ओटीपी लेकर उनके खाते में करीब 10 लाख रुपए गायब कर दिए। चलिए हम रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि जो तीसरी खबर जो आ रही थी वह आ रही थी बैतूल से, जहां पर आपको बता दें कि बैतूल में नई दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग पर बैतूल के बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंसने की बड़ी घटना हुई है, जिसके चलते कई रेल गाड़ियों को रोक करके ट्रैक पर सुधार कार्य करना पड़ा। यह वही स्थान है जहां साल 2013 में पूरा रेलवे ट्रैक ही माचना नदी में बह गया था। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। नागपुर से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियर्स ने मौका मुआयना किया है। रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैतूल से इटारसी की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के धंसने की घटना हुई है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बैतूल से राहुल नाकले जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राहुल, बैतूल के बरबतपुर स्टेशन के जो है एक बड़ा हादसा होने से डला है, क्या कुछ ये पूरा मामला था विस्तार से बताइए। रितिका मैम, जैसे कि मैं आपको बता दूं, रविवार के दिन बरबतपुर रेलवे स्टेशन जो कि नई दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग है, वहां से हिमसागर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, जिसके लोको पायलट द्वारा जी देखा गया है कि पानी के तेज बहाव से की वजह से रेलवे ट्रैक धस गया। तो पायलट द्वारा तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी, जिसके चलते रेलवे में हड़कंप मच गया। हालांकि इसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, अगर लोको पायलट ध्यान नहीं देते तो हो सकता है बड़ा हादसा हो सकता था। जी राहुल, अधिकारियों ने मौके पर जाकर जो है मुआयना किया है, कब तक जो है इसका पूरा कार्य शुरू हो जाएगा, सुधारने का कार्य पूरा? मैम, अभी घटना की जानकारी जैसे ही रेलवे के अधिकारी को लगी है, उच्च युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी शुरू कर दिया गया है और 3 जेसीबी मशीनें ट्रैक पर उतारी गई और इस दौरान मलबा डलवाया जा रहा है। लगातार 3 बार रेल प्रबंधक को यह ब्लॉक भी लेना पड़ रहा है यहाँ इस ट्रैक के लिए। जी, जिस तरह और मैम यहाँ पर ट्रेनें अभी फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई ट्रेनों की जी, और सैकड़ों मजदूर और रेलवे कर्मचारी यहाँ पर दिन भर लगे हुए हैं, निरंतर कार्य जारी है। इससे कितनी ट्रेनें प्रभावित हो रही है राहुल? मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो कुछ ट्रेनें का दूसरे ट्रैक से निकाली जा रही है जी, इसमें अभी ट्रेनें प्रभावित के भी कोई ना के बराबर है, क्योंकि मैम इस ट्रेनों को निकालने के लिए दूसरे ट्रैक का सहारा लिया जा रहा है। जी, वही ये जैसे कि सामने आ रहा था कि 10 साल पहले जो है यहाँ ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई थी, तो क्या जो रेल प्रबंधन है उसे इस बारे में जानकारी थी किस तरह की? जी मैम, बिल्कुल मैम, 10 साल पहले जैसे कि 2013 में यहाँ पर भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की पूरी मिट्टी बह गई थी, ट्रैक हवा में झूल गया था, तब इसी प्रकार की घटना पूर्ववर्ती हुई है। फिर भी तत्कालीन डीआरएस ब्रजेश दीक्षित खुद मौके पर पहुंचे थे, उस यहाँ सुधार कार्य करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। हादसे के समय माचना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसके चलते मैम यहाँ पर ट्रैक के नीचे से नालियां बनाई गई थी, जो कि माचना का जो पानी है उसे डाइवर्ट किया जाए, उसे नदी में जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। लेकिन कल अचानक जिस तरह से पानी गिरा है और पुल के ऊपर
जिस पुल के ऊपर से ट्रेक गुजरता था जी जी मैम, उसके जो मिट्टी धसी है भारी बारिश आने की वजह से ये इस तरह की घटना हुई है। जी राहुल, तो आपको बता दें जो खबर सामने आ रही थी वह बैतूल से आ रही थी, जहां पर नई दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग पर बैतूल के बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंसने की बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें कि जिसके चलते कई रेल गाड़ियों को रोककर ट्रैक पर सुधार कार्य करना पड़ा। यह वह स्थान है जहाँ साल 2013 में पूरा रेलवे ट्रैक ही माचना नदी में बह गया था। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।